नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये देखिए बंगाली अरबी का सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। बंगाली अरबी 500 ग्राम ली हूँ और मसाला के लिए मैं आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच राई काला वाला और सूखी वाली मिर्ची जो ढेर सारे ली हूँ, कम से कम 10-12 ली हूँ। और टमाटर मीडियम साइज़ के 3 पिक्स के रखी हूँ। उसके बाद अरबी को काटने के लिए ये देखिए हाथ में ऑयल ली हूँ। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खुजली होता है हाथों में। इसके वजह से ऑयल लगा के काटा कीजिए। और ये मसाला है, मसाला को पीस लेते ऐसे करके अरबी को हम छील लेते हैं। पहले छील के उसके बाद आपको जौन सा साइज पसंद है वही साइज से काट लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों अरबी ऐसा साइज में हम काट लिए हैं ऐसे करके स्लाइज में। और ये हम अरबी जब भी काटेंगे पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो लाल पड़ जाएंगे या तो काला हो जाएगा, इसलिए हम काटते जाएंगे तो पानी में इसको डुबाते जाएंगे। पानी में रहेगा तो अच्छा रहे। और अरबी का पहचान यही है, सबसे ज़्यादा सफ़ेद जब अगर अरबी दिखे तो वो अरबी एक नंबर अच्छा रहता है। और काटने का टाइम है ऐसा, ये देखिए इसे आवाज़ आना चाहिए, अरबी हमेशा ताज़ा होना चाहिए। इसे अरबी आवाज़ जब भी आता है तो पकने में बहुत अच्छा से पक जाती है, टाइम नहीं लगता है। और सफ़ेद जो रहता है वो अरबी अच्छा रहता है। सब अरबी काट लेते हैं, ये अरबी को धो लेते हैं अच्छे से। अरबी को 5 मिनट के लिए उबल लेते हैं दोस्तों। अरबी उबल के 5 मिनट हो गए दोस्तों, अभी उतरते हैं। ये देखिए दोस्तों अरबी इतना है, ज़्यादा पकाना नहीं है हमको। ये देखिए थोड़ा आधा पका हुआ है, इतना ही पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तेल दे दी हूँ एक चम्मच बड़े चम्मच में। और हम ये इसमें 5 फ़ोरन डालेंगे, थोड़ा सा अलग जीरा, थोड़ा सा काली राई, 2 तेज पत्ते, थोड़ी सी करी पत्ता, 3 लौंग, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, बड़ा इलायची, मीडियम साइज का प्याज, चार हरा मिर्च, 2 सूखा मिर्च, पिसा हुआ मसाला। देखिए मसाला अच्छे से पक गए हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, तीखा मिर्च 1/2 चम्मच, देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। अभी जो टमाटर हम रखे उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट तक टमाटर को मसाला के साथ अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए टमाटर मसाला 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम ढक्कन लगा के पका लिए हैं। अभी जो अरबी उबल कर रखे हैं उसको ले लेते हैं। इसको 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से ऊपर से नीचे पका लेते हैं। अच्छा से देखिए मिक्स कर ली हूँ 2 मिनट तक। अब स्वाद अनुसार के लिए नमक दे देते हैं। ये देखिए नमक उमक दे दी हूँ। ये जो मसाला पीसी थी उसे बाटी का पानी है, ये पानी थोड़ा दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं पीने वाले गिलास में 3 गिलास पानी दे दी हूँ। इसको 5 से 6 मिनट तक ढक्कन लगा कर पका लेते हैं। दोस्तों अगर आपको अगर अरबी आखा आखा खाना है तो उसको तोड़िए मोड़िए मत। मैं थोड़ा सा ऐसा कर देते हूँ ताकि चावल के साथ भी अच्छा लगे खाने में और चपाती रोटी परोठा के साथ भी अच्छा लगे। थोड़ा तोड़ देती हूँ मैं, थोड़ा ग्रेवी अच्छा लगेगा देखने में भी खाने में भी। देखिए दोस्तों अरबी सब्जी बन कर रेडी हो गए हैं। अब कस्तूरी मेथी फ्रेश करके थोड़ा दे देते हैं, गरम मसाला स्वाद अनुसार के लिए। ये देखिए दोस्तों अरबी का सब्जी बन के रेडी हो गया है। अब इसको उतारते हैं। ये देखिए दोस्तों अरबी का सब्जी बन के रेडी हो गया है। रेसिपी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नया चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अरबी का सब्जी जो है बंगाली अरबी सब्जी
कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक बार बना कर ट्राई कीजिएगा। ये तो रोटी चपाती चावल सबके साथ मैच हो जाते हैं, किसी के साथ खा सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।